हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ममता की लाइफ में स्वागत है। दोस्तों देखिए, मैं आज आपको एक ये छोटा सा पैटर्न बताने वाली हूँ, जिसको आप डोरमेट की तरह भी यूज कर सकती हैं, पूजा आसन की तरह भी, और सेंटर टेबल पे भी आप रख सकती हैं। ये देखिए, एक साइड से बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से टोटल ये यहाँ से बनते हुए यहाँ पूरा आके और साथ में यहाँ आने के बाद ये यहाँ पे बंद हुआ है। ये पूरा पीस एक साथ बना है, इसमें कहीं कोई सिलाई नहीं हुई है। ये सेंटर में इसको जोड़ा गया है, लेकिन वो भी सिलाई से ही, इसके साथ बिनते हुए इसको मैंने जोड़ दिया है, और लास्ट में फिर मैंने इसको बॉर्डर के लिए क्रोशिए का वर्क कर दिया है। तो ये देखिए, ये काफी बड़ा है, 40 फंदे से बना है। यहां से मैंने इसको स्टार्ट किया, ये 40 फंदे से बना है, इस दो रंग से मैंने इसको बनाया है। इसमें जोड़ बस लास्ट में यहाँ पे आके है, और ये पूरा साथ में बना है। आप इसको एक रंग, दो रंग, या अपने मनपसंद मल्टी कलर में भी बना सकती। मैंने इसको दो कलर में बनाया है। ये बड़ा पैटर्न है, इसी का सेम पैटर्न मैं आपको 20 फंदों में डाल के बताने वाली हूँ। ये मैंने 40 फंदों में बनाया है, सेम चीज मैं 20 फंदों में बनाऊंगी। तो अब ये देखिए, मैं ये इन दो कलर से आपको बताऊंगी। इसके लिए आप, ये मेरा सिंगल वर्धमान का ऊन है, जो 2-ply का ऊन आता है, और ये 9 नंबर की सलाई है, दोनों तरफ से पॉइंटेड। आप चाहे तो किसी भी सलाई से बना सकती हैं। तो ये मैंने पॉइंटेड सलाई लिया हुआ है, तो ये 9 नंबर की सलाई है। अब सबसे पहले मैं डार्क वाले से 20 फंदे इसमें डालूंगी। तो सिंगल ऊन से ही फंदे डालना है, क्योंकि बाद में हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे खोल के। तो ये सिंगल ऊन से देखिए, इस तरीके से मैं इसमें टोटल 20 फंदे डाल रही हूँ। देखिए, 3, 4, 5, इस तरीके से हम 20 फंदे डालेंगे। और ये देखिए, ढीले ढीले फंदे हैं, तो इसको 20 फंदे कर लेते हैं इस तरीके से, ऐसे। ये देखिए, ये मैंने इसमें 20 फंदे डाल लिए हैं। ये थोड़ा छोटा बनेगा, ये मेरा 40 फंदे का है। आप इससे भी बड़ा बना सकती हैं, लेकिन इसमें फंदे बराबर होने चाहिए, जो दो से डिवाइड हो सके। तो इसमें ऑड नंबर के फंदे आप मत डालिएगा। ये देखिए, पहली सलाई है, इसको हम दोनों तरफ से ऐसे बिनेंगे उल्टा। पहली सलाई हम उल्टा बिन रहे हैं, पूरे 20 फंदे को। आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकती हैं। ये देखिए, अब हम इसमें व्हाइट लगाएंगे। एक सलाई बिनने के बाद उल्टा उल्टा, इसमें दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही बिनना है। ये देखिए, यहां से अब इसमें हम ये पूरी सलाई हम व्हाइट से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। इसको यहाँ पे थोड़ा टाइट कर दीजिए। ये देखिए, इस तरफ का फंदा हम उतार लेंगे। जिस तरफ से हम कलर चेंज कर रहे हैं, उधर हम बीनेंगे और इस तरफ का फंदा उतार लेंगे।
देखिए, अब इसको जब हमें कलर चेंज करना रहेगा तो इस ऊन को आप इधर की तरफ ऐसे दबा लीजिए और अब इससे पहला फंदा हम बीनेंगे। जैसे कि मैंने कहा, जिधर हम कलर चेंज कर रहे हैं उधर हम इसको बीनेंगे और दूसरी साइड से हम पहला फंदा उतार लेंगे। ये देखिए, ऊन आप दोनों एक समान मोटाई का ही लीजिएगा। अगर मोटा पतला ऊन होगा तो इसमें इसकी जो डिजाइन है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बीनते हुए ये हमने 20 फंदे डाले हैं, तो ऊपर भी हमारी 20 लाइनिंग बनेगी, यानी ब्लैक वाले से 10 और व्हाइट वाले से 10। ये देखिए, ब्लैक की मेरी ये दूसरी लाइन बन चुकी है और ये व्हाइट वाले की भी, ये फर्स्ट ब्लैक से मैंने स्टार्ट किया, ये दूसरी लाइन बन गई है और ये व्हाइट, दोनों लेके ये फर्स्ट सेकंड ऐसे गिनते हुए लास्ट मेरा जो 20वां लाइन बनेगा व्हाइट से बनेगा। तो टोटल हम 20 लाइन जो है बनाएंगे दोनों कलर से मिला के। तो इसको हम बना लेते हैं पहले 20 लाइन। अब देखिए, ये ऊन फिर इसको ऐसे दबा देंगे और व्हाइट वाले से हम इसको पहला फंदा ऐसे बीन लेंगे। तो ये हमारे व्हाइट की दूसरी लाइन है, दोनों कलर की 10-10 लाइनें हमारी बनेगी। तो ये 20 लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर हम ये वाला हिस्सा बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी 10-10 लाइनें दोनों कलर की कंप्लीट हो गई। देखिए, व्हाइट की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ब्लैक से मैंने फंदा डाला था तो ये भी 10 हो चुका है। अब ये उल्टे तरफ से, यहाँ पे कलर मैं चेंज नहीं करूंगी। अब ये देखिए, यहाँ पे ये इसी कलर से फिर चार चार सिलाई, अभी तक दो दो सिलाई बीना था मैंने, तो अब ये 18 फंदे बीनने के बाद जिधर से हम फंदे उतार रहे हैं उस साइड पे हम फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको करने के बाद ये इधर हम फंदे छोड़ने के बाद ऊन पलट लेंगे और अब इस तरफ से हम पूरा बीन देंगे। ये पहला फंदा उतार लेंगे और इसके बाद ये पूरा 18 फंदे जो हमारे हैं। तो अब यहां से ये एक एक कलर से चार चार सिलाई बनेगी इस तरीके से। ये देखिए, अब हम ब्लैक लगाएंगे। इस वाले ऊन को हर बार आप अंदर की ही तरफ रखिएगा तो आपका ये जो ऊन है ये बार बार उलझेगा नहीं। पिछली बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, इस बार हम फिर 2 फंदे और छोड़ देंगे। तो जब हम दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे तो इस वाले से हमारा, ये देखिए, अब जब हम दूसरा कलर स्टार्ट किए तो ये हमारे 4 फंदे छूट गए। अब फिर ऊन पलट लेंगे इस तरफ को और बाकी के फंदे हम इससे बिन लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से टोटल फंदे हम अब इससे बिन लेंगे पूरा। आप चाहें तो 2-2 सिलाई भी बीन सकती हैं, वो भी अच्छा लगेगा। ये देखिए ऐसे, और अब फिर हम ब्लैक से बीनेंगे। इस ऊन को आप इस तरह से फंसाती चली जाइए जिससे कि हमारा ये ऊन जो है यहाँ पे साइड में ज्यादा दिखेगा नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने ब्लैक जब बीना तो ये 4 फंदा
छूट गया। अब जब दूसरी लाइन हम ब्लैक से बीनेंगे तो यहाँ दो फंदे छूट जाएंगे, फिर जब हम व्हाइट से बीनेंगे तो चार फंदे छूटेंगे। तो इस तरह से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसको हमें कैसे बनाना है। तो इसी तरीके से हम दो दो फंदे छोड़ते हुए ये एक हमारा जो ये सर्कल वाला ये हिस्सा है इसको हम पूरा कर लेंगे। ये हमारे टोटल छह बनेंगे, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये हमारा अभी ये पहला बन रहा है। इसी तरीके से ये दो दो फंदे हम छोड़ देंगे तो हमारा ये पूरा होता जाएगा। तो ये देखिए पहली बार काला हमने बीना तो ये व्हाइट छूटा। अब दूसरी लाइन काला बीनने पर ये दो ब्लैक छूट रहा है, तो इसके बाद जब हम फिर व्हाइट से बीनेंगे तो दो और ब्लैक छूट जाएगा। तो फिर चार चार फंदे हमारे छूटते चले जाएंगे एक एक कलर से। तो ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे। तो इसी तरीके से ये हम पूरा सेट बना लेंगे। आप चाहें तो इसको प्लेन भी बना सकती हैं। ये देखिए इसी तरीके से हम इसको पूरा बना लेते हैं। ये देखिए अब हमारा ये व्हाइट का दूसरा लाइन है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको भी हम लास्ट में ऐसे उतारेंगे। अब देखिए ये मैंने 20 फंदे का बताया है, इसलिए हमारा यहाँ व्हाइट से खत्म हुआ है। तो अब हम यहाँ ब्लैक से पूरा लाइन ले जाएंगे। इसमें मैंने 40 फंदे का बनाया है, तो मैंने यहाँ क्रीम से स्टार्ट किया है और ये देखिए ये मरून पे मेरा जाके खत्म हुआ है। तो ये 40 फंदे का है, ये 20 फंदे का छोटा पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एक सर्कल का ये इतना हिस्सा हमारा पूरा हो चुका है। तो अब बाकी के सारे फंदे ये देखिए अब मैं ब्लैक से बना लूंगी। टोटल सारे 20 फंदे पहली बार इससे ब्लैक से मैं बिन लूंगी दोनों तरफ से। ये अब यहाँ पे कोई फंदा नहीं छूटेगा। ये देखिए इस तरीके से पूरा इसको मैं ब्लैक से कंप्लीट कर दूंगी। दोनों तरफ से ये देखिए और इधर से भी, इधर से हम उतार लेंगे। क्योंकि दूसरी तरफ से हम धागा बदल रहे हैं इसलिए हम उस तरफ से फंदे नहीं उतारते हैं, वो हमारा बाहरी एरिया जो हो जाएगा किनारा किनारा वो बनेगा, और जिस तरफ से हम फंदे उतार रहे हैं वो हमारा सेंटर में चारों तरफ से बनेगा, ओवल शेप में ये आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे ब्लैक कर लिया। अब यहाँ से फिर मैं दो दो फंदे छोड़ते हुए इसी तरीके से ये टोटल 6 लाइन कंप्लीट कर लूंगी। तो ये यहाँ से ये मेरा एक बन गया। अब ये दूसरा मैंने स्टार्ट किया है इस तरीके से। जब ये हमारा 6 बन जाएगा तो इसके आगे हम ये बीनेंगे। तो ये चीज देखिए, इतना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब ये एक बन चुका है, 5 और बनाने के बाद फिर हम ये बनाएंगे। तो वो चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इतना मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मैं इसके आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये पूरा एक ही में बना है, इसलिए ये 6 पार्ट करने के बाद मैं आपको इसको जोड़ना और आगे का फिर क्रोशिए का पार्ट नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।